थाना पागवाड़ा अंतर्गत ग्राम लोधीपुर राजपूत निवासी मोहम्मद असलम पुत्र स्वर्गीय फिरासत अली ने डाक के माध्यम से जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि थाना क्षेत्र में संचालित एक यूनिवर्सिटी के संचालकों ने भू माफिया के साथ हमसाज होकर शिकायतकर्ता पर झूठा आरोप लगाते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में उसके खिलाफ झूठी खबर प्रकाशित करवा दी। इस तरह की खबर प्रकाशित करवा कर पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, ताकि वह अपनी भूमि की सही तरीके से पैरोकारी न कर सके। पीड़ित मोहम्मद असलम ने शिकायती पत्र के माध्यम से यूनिवर्सिटी संचालकों पर आरोप लगाया है कि वह उसकी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। अतः शिकायत पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। जो मृत्यु के बाद हमें प्राप्त उन्होंने क्या करा, हमारे पढ़े लिखे होना होने का और जो है हमारे पिताजी वाला हिस्सा एडजस्ट करा लिया 3:70 भाग करके। उसकी जानकारी हमें 1 महीने बाद पता चली, तो हमने आपत्ति दायर कर दी न्यायालय में और सीबीआई में भी आपत्ति लगा दी, न्यायालय में विचार दी हमने। अब उसके जो पदाधिकारी हैं कुशल पाल व मुझाई जो हमारे गाँव के, वो आए दिन मेरे से जो है ना दबाव बनाते हैं, कभी फर्जी मुकदमा लगवा दें हैं, कभी अखबार में निकलवा दें फर्जी। कल जो है यही काम करा कुशल पाल ने फाड़ करके, कल अखबार में निकलवा दी अमर उजाला में कि मृतक की पेंशन अंतरित करी जा रही है, जबकि मेरे पिताजी ने स्वयं खुद जाकर पेंशन निकाली, जिसका स्टेटमेंट भी मेरे साथ है, नाम भी है जिसमें बोलो। और इस प्रकार आए दिन वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है ज़मीन हड़पने के बारे में। पिताजी वाली ज़मीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है, जो वो हड़पने की साजिश रखती है। तो अभी आपने शिकायत कहाँ करी है? अब तो डीएम साहब के यहाँ डाक के माध्यम से जिलाधिकारी साहब को दी। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें मिलेगा और जो माफिया है फोटीवाल और फसलवाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ठीक है।